सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी के बड़कोट की, जहां पर पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा उग्र रूप ले रहा है। बड़कोट के लोगों ने पहले जल संस्थान के खिलाफ बाजार में जुलूस निकाला और फिर जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचकर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। बड़कोट नगर पालिका के सातों वार्डों में महीनों से पानी की भारी किल्लत है। लोग यमुना तिलाड़ी से पंपिंग योजना के जरिए पानी संकट हमेशा के लिए खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से तहसील परिसर में लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन आरोप है कि ना तो जल संस्थान के अधिकारियों के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही सरकार बड़कोट के लोगों की तकलीफ को देख और समझ पा रही है। यमुनोत्री धाम में आते तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। तीर्थयात्री आरोप लगा रहे हैं कि धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी पहुंचते ही डंडी कंडी चलाने वाले उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं। सवारियों को बैठाने को लेकर डंडी कंडी वाले हुड़दंग मचाने लगे हैं। छीना झपटी हो रही है, इससे जानकी चट्टी में भारी जाम भी लग जाता है। लोगों का आरोप है कि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मौके पर जिला पंचायत और प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं नजर आता। मामला जब यात्रा मजिस्ट्रेट और SDM मुकेश चंद्र रमोला तक पहुंचा तो उन्होंने जल्द इस मामले में एक्शन लेने का भरोसा दिया। 15 जून को नीम करौली बाबा के कैची धाम में विशाल मेला लगने वाला है। जिला प्रशासन पुलिस ने मिलकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने शटल बस और टैक्सी सेवा शुरू की है। शटल सेवा का संचालन 14 और 15 जून को हल्द्वानी और भीमताल से किया जाएगा। 350 शटल टैक्सी भवाली से कैची धाम तक चलेंगी, जबकि 50 शटल बस हल्द्वानी से कैची धाम तक बाबा नीम करौली के भक्तों को लाएंगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को हल्द्वानी से भवाली तक ले जाने के लिए कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बसों और रोडवेज की बसों को लगाया गया है। भवाली से कैची धाम मंदिर तक निजी वाहनों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा। इसके साथ ही श्रद्धालु केवल टैक्सी और बस शटल सेवा से ही मंदिर तक आवाजाही कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर BJP अल्पसंख्यक मोर्चा ने हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ की दरगाह पर चादर पोशी कर दुआएं मांगी। BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन की अगुवाई में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलियर दरगाह साबिर पाक की खिदमत में पहुंचे और चादर पेश की। इंतजार हुसैन का कहना है कि मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश में इतिहास रचा है। मोदी की लीडरशिप में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देश में अमन और चैन के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी समीकरण जोड़ने में जुट गए हैं। संभावित उम्मीदवारों के कार्यालय पर भी समर्थकों की भीड़ नजर आई। मंगलौर विधानसभा सीट पर हमेशा दो ही परिवारों का दबदबा रहा है, जिससे कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन तो वहीं BSP से हाजी सरवत करीम अंसारी के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा। लेकिन इस बार BJP भी मंगलौर उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और BJP नेता करतार सिंह भड़ाना इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। मंगलौर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में BSP के सरवत करीम अंसारी ने जीत हासिल की थी। पिछले साल अक्टूबर में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। सरवत के बेटे उबै दुर्मान उर्फ मोंटी पिता की वजह से सहानुभूति जरूर मिल रही है। आने वाली 10 जुलाई को मंगलौर का उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर बात करें, जहां एक तरफ पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से प्रत्याशी माने जा रहे हैं और अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बसपा से बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के द्वारा भी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। हाजी और काजी के गढ़ में अभी तक भाजपा अपना खाता आज तक नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे करतार सिंह भड़ाना के द्वारा अपनी दावेदारी पेश की जा रही है और प्रबल दावेदारी पेश करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि इस बार हम मंगलौर विधानसभा सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। CM धामी ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने के प्लान की समीक्षा की और इसके लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए चंपावत को मॉडल जिले के रूप में लिया जा रहा है। चंपावत ऐसा जिला है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, बाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। ऐसे में चंपावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाए। धामी ने अफसरों से कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में 15 जून से रोजगार मेला लगने जा रहा है। प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय सभी जिलों में अलग अलग 23 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करने की योजना बना रहा है।
जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से मार्च से ही उत्तराखंड में रोजगार मेला नहीं लग पाया था, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद 15 जून से दोबारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 20 से 30 साल के ऐसे 8 लाख नौजवान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। पौड़ी गढ़वाल जिले में रिजॉर्ट जा रहे दिल्ली के पर्यटकों की कार खाई में गिरते गिरते बची। हादसे में ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। हादसा रिखड़ी खाल के पास हुआ। कार बेकाबू होकर खड्डे में गिरी और पेड़ों पे अटक गई। देहरादून में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। प्रचंड धूप के साथ साथ गर्म हवाएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन और परेशानी भरे रहने वाले हैं, क्योंकि पारा और ऊपर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। मैदान ही नहीं, पहाड़ के भी कई हिस्सों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को धारचूला में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पिथौरागढ़ में तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा। यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने परिवार समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। बृजेश पाठक गुरुवार को पहले केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बृजेश पाठक दोपहर को परिजनों समेत बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। ब्रजेश पाठक का कहना है कि वो परिवार के साथ साथ लोक कल्याण के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के आशीर्वाद के लिए धाम आए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।